दोस्तों आपको यह भी नहीं पता होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में यह काम करती है तो यकीन मानिए ये मैं नहीं कहता बल्कि भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र कहता है कि वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। दोस्तों नींद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। दोस्तों वैसे तो सोने का सभी का एक अनुमानित टाइम फिक्स होता है, लेकिन कई बार यह नींद इतनी जोर से आती है कि व्यक्ति कहीं भी कभी भी सो जाता है। दोस्तों सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। जब महिला ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, और यह बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। इसलिए आप भी जान लें और रात में सोते समय यह काम जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नंबर एक, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश कर देती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। दोस्तों नंबर तीन, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे आपको बहुत ही कामयाबी मिलेगी। दोस्तों नंबर चार, सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है, इसलिए मंगलवार शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर पांच, अब बात करते हैं कि सुबह में आखिरी सही समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं और माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। दोस्तों जरूरी जानकारी, जब कोई महिला पूरब और दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धनधान्य से भर जाता है,
खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो देता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना ले तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और माता रानी जरूर लिखिएगा। आपके घर से खुशियां कभी भी नहीं जाएंगी और हमेशा आप करोड़पति बने रहेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।